नमस्कार। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको पाठ 6 राजकुमारी रत्नावली। बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले कभी भी पीछे नहीं रही हैं, और इस बात का प्रमाण हमें हमारी जो इतिहास है उससे पता चलता है, हमारे इतिहास से पता चलता है कि बहुत सी ऐसी रानियां हुई हैं जिन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, पुरुषों से कम नहीं रही हैं। जैसे हम रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, है ना, ऐसी बहुत सी रानी हुई, और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। तो जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कम कभी नहीं रहे हैं। इन सभी जो रानियां हैं जो इतिहास में जिनका नाम जाना जाता है, वो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी हैं और बहादुरी से लड़ी हैं। तो उन्हीं में से एक रानी है राजकुमारी रत्नावली, तो जिनकी कहानी आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्त्री सशक्तिकरण, मतलब स्त्रियों को सशक्त बनाने में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। किसकी? राजकुमारी रत्नावली की। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पाठ का परिचय। कहानी जो है वो राजकुमारी रत्नावली स्त्री सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। राजकुमारी रत्नावली स्त्री होते हुए भी पुरुषोचित वीरता का परिचय देती थी, यानी कि वो स्त्री थी लेकिन उसकी वीरता पुरुषों से कम नहीं थी, और शत्रु सेना को अपने महल में बिना लड़े ही बंदी बना लेती है, जिसे देखकर सभी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यानी शत्रु सेना को अपनी बुद्धि और विवेक से बिना लड़े ही बंदी बना लेती है। जैसलमेर के राजा रत्न सिंह एक बार जब युद्ध के लिए जाने लगे, कहां के राजा? जैसलमेर के राजा युद्ध में जाने लगे तो एकाएक ही चिंता करते हुए बैठ गए। उनको इस प्रकार बैठते देखकर सेनापति ने पूछा कि क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए? तो राजा रत्न सिंह ने उदास होकर कहा कि आज मुझे बेटे के न होने का दुख बहुत पीड़ा दे रहा है। काश मेरा एक बेटा होता तो मैं आज अपने किले को उसे सौंप कर तो जा सकता था, पर मेरे जाने के बाद मेरे राज्य और किले की रक्षा कौन करेगा? यानी राजा जैसलमेर जो थे वो युद्ध में जा रहे थे और उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि मेरे पीछे मेरी महल की रक्षा कौन करेगा। अगर मेरा बेटा होता तो उसे मैं ये जिम्मेवारी दे कर जाता। यानी कि एक तरह की मानसिकता होती है कि बेटे ही योग्य होते हैं और उनको जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है, तो इसी मानसिकता के वश होकर के राजा भी यही सोच रहा था। तो सेनापति ने राजा रत्न सिंह को इस प्रकार दुखी होते देखा तो कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं महाराज, आपने तो राजकुमारी रत्नावली को विधिवत सैनिक शिक्षा भी दी है और हमारे पीछे वे किले की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है। तो जो मंत्री होता है वो राजा को समझाता है कि आपने जो राजकुमारी है आप की रत्नावली, उसको आपने बिल्कुल लड़कों के जैसे ही उनको सैन्य शिक्षा दी है और वो महल को संभालने में पूरी तरह से समर्थ है, तो आप क्यों चिंता करते हैं? तो राजा रत्न सिंह ने कहा कि वह सब तो ठीक है लेकिन सेनापति, सेनापति ये बात तो सब ठीक है लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची और अनुभवहीन है। तुम भी जानते हो कि आज हमें चारों ओर से यवनों के हमले का भय बना हुआ है। यवनों को जब ज्ञात होगा कि मैं राज्य में नहीं हूं और पीछे रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है तो वे तुरंत आक्रमण कर देंगे। ऐसे में क्या रत्नावली उनका मुकाबला कर सकेगी? तो राजकुमारी रत्नावली बहुत देर से पीछे खड़ी हुई अपने पिता और सेनापति की बातें सुन रही थी। वह आगे आई और राजा रत्न सिंह से बोली, अवश्य पिताजी, मैं ऐसी हालत में यवनों का मुकाबला अवश्य ही कर सकूंगी। आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाइए। यदि आप चिंता लेकर युद्ध में गए तो शत्रु से युद्ध नहीं कर सकेंगे। चिंता का कारण युद्ध हार भी सकते हैं, यानी आप चिंता के कारण इस तरह से आपको चिंता लगी रहेगी तो आप युद्ध हार सकते हैं। आपको अपने मन में यह भरोसा होना चाहिए कि कोई यवन इधर आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, और यदि किसी ने हिम्मत की भी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। ये कौन कहती है? राजकुमारी रत्नावली अपने पिताजी से कहती है।
सेनापति ने भी राजा रत्न सिंह को साहस बनाया। हाँ महाराज, मुझे तो अपनी राजकुमारी पर पूरा पूरा भरोसा है कि वे किले की रक्षा अवश्य कर लेंगी। फिर आपको अपनी पुत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? राजा रत्न सिंह को सेनापति की बात से तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। पुत्री रत्नावली को अन्य कुछ बातें समझाकर राजा रत्न सिंह सेनापति के साथ चल दिए। अब राजा रत्न सिंह कहाँ चल दिए? लड़ाई युद्ध क्षेत्र में चले गए और अपने महल की पूरी जिम्मेवारी उन्होंने राजकुमारी रत्नावली को सौंप दी। तो इधर तो वे युद्ध के लिए रवाना हुए और उधर दूसरी ओर से गुप्तचरों ने राजकुमारी को संदेश दिया कि यवन सेना किले को घेर रही है। इतना सुनते ही राजकुमारी रत्नावली ने तुरंत सैनिक वेश धारण किया और किले के सातों दरवाजों को बंद करने का आदेश दिया। तुरंत ही सातों दरवाजे बंद कर दिए गए। अब राजकुमारी ने किले के भीतर के सारे सैनिकों को तैयार किया। यवन अब तक किले के पास आकर किले पर हमला करना आरंभ करने लगे थे। वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार से किले के भीतर प्रवेश कर सके, लेकिन राजकुमारी ने अपने सैनिकों के साथ उनके ऊपर पत्थरों और गरम गरम तेल की मार की और उन्हें परेशान करके पीछे हटा दिया। शत्रु सेना मार खाकर पीछे हट गई, पर उसने अभी तक घेरा नहीं तोड़ा था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए और दिन के हमले में जो भी टूट फूट होती, राजकुमारी रातों रात उसकी मरम्मत करवाकर फिर नए सिरे से बचाव का कार्य आरंभ कर देती थी। रात के वक्त बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया जाता था और एक रात किले के दीवार से लगे पहले दरवाजे के पास पहरा देते हुए एक सैनिक को कोई आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक थैली दीवार के ऊपर से आकर गिरी। उसने पास जाकर थैली उठाई और देखा उसमें सोने की मोहरें थी। तभी दरवाजे के बाहर से शत्रु के किसी सैनिक की आवाज आई, सरदार अगर तुम कल सुबह से पहले दरवाजा खोल दो तो तुम्हें ऐसे ही 6 और थैलियां हमारे सरदार इनाम में देंगे। तो किले के पहरेदार ने हाथ की थैली की ओर देखा तथा शत्रु सैनिक की बात सुनकर मुस्कुराया। फिर वह थैली लेकर राजकुमारी रत्नावली के पास आया और बोला, राजकुमारी जी, दरवाजा खोलने के लिए यह थैली मुझे दी जा रही है। 6 थैलियां दरवाजा खोलने के बाद और मिलेंगी। तो राजकुमारी भी मुस्कुराई और बोली कि तुम पहला और दूसरा दरवाजा खोल दो। घबराकर उसके बाद का कोई भी दरवाजा किसी भी हालत में खुलने न पाए। यानी राजकुमारी कहती है कि आप पहला और दूसरा दरवाजा खोल दो और खबरदार, उनको सावधान करते हुए बोलती है कि ध्यान रहे कि उसके बाद का दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खुलना चाहिए। तो राजकुमारी की आज्ञा के अनुसार पहरेदार ने किले का पहला और दूसरा दरवाजा खोल दिया। पहले दरवाजे से लेकर तीसरे दरवाजे तक इतनी दूरी थी कि उसमें एक सेना आ सकती थी। सरदार ने यवन सेना को अंदर ले लिया और पहला दरवाजा बंद कर दिया। अब सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह पर गिर गई। वह न तो पीछे लौट सकती थी और न तीसरे दरवाजे के खुले बिना आगे बढ़ा सकती थी। तो यवन सेना उस सुरंग नुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। लेकिन राजकुमारी ने उन सैनिकों के खाने पीने का पूरा पूरा इंतजाम करके उन्हें भूखा मरने से बचा लिया। कुछ दिन बाद जब राजा रत्न सिंह आए और उन्होंने यवन सेना को अपने किले के भीतर ही कैद पाया, तो बेटी रत्नावली को गले से लगाते हुए कहा, तुमने तो बेटे से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया। भगवान सदा ही तुम्हें सद्बुद्धि और शक्ति दे। बाद में यवन सेना के साथ संधि की बात चली और राजा रत्न सिंह ने उसे मुक्त कर दिया। तो बच्चों, ये थी राजकुमारी रत्नावली की बहादुरी और विवेक का नतीजा। उसने बड़े प्यार से यवन सेना को अपने महल के अंदर कैद कर दिया था। तो बच्चों, लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। आज के समय में भी आप देखते हैं कि लड़कियां बड़े से बड़े कामों में लड़कों से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो ये पाठ बच्चों यहीं पर समाप्त हुआ। इस पाठ की कहानी को आप
अपने शब्दों में सुनाएंगे और वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर सेंड करेंगे। धन्यवाद।